दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आप अपनी फ़ोटो को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी मोबाइल से सिर्फ एक मिनट में अपनी किसी भी फ़ोटो को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। बनाने के बाद आप उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। जितना भी साइज़ का चाहे उतना साइज़ का आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने किसी भी फ़ोटो को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल में आ जाना है। यहाँ पर आपके मोबाइल में एक क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन होगा, इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस सर्च बॉक्स में सर्च करना है पासपोर्ट साइज फोटो मेकर। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो मेकर सर्च करेंगे, यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। आपको इस वाली वेबसाइट को ओपन करना है, ये देखिए फ्रेंड्स cutout.pro। जैसे फ्रेंड्स आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब फ्रेंड्स आपको जिस भी अपनी फोटो को पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है उस फोटो को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। अब आपको अपनी गैलरी से उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिसको आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है। तो दोस्तों, मैंने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप चाहे तो अपने अनुसार यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप अपने अनुसार रेड करना चाहते हैं, ब्लू करना चाहते हैं, व्हाइट या जो भी अपने फोटो को बैकग्राउंड लगाना चाहती है, हाँ आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। जो भी यहाँ पर आपको कपड़ा पहनाना है, यहाँ पर आप मेन वुमेन चिल्ड्रेन के लिए पर आपको ढेर सारे कपड़े यानी कि कोट दिए हैं, आप जो भी पहनाना चाहते हैं आप यहाँ से पहना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप पेपर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेपर साइज जो भी आप रखना चाहते हैं 6x4, 7x5, A4, A5, A4 में आपको पासपोर्ट साइज फोटो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसका कॉमन साइज यही आपको रखना है। 7x5 करेंगे तो यहाँ पर आपको 3x3, 6x9 फोटो आएगा। 6x4 करेंगे तो 8 फोटो यहाँ पर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। पासपोर्ट फोटो का साइज जो भी रहता है उसी साइज में आपका फोटो बनकर तैयार हो जाएगा। अब जो भी आप साइज आना चाहते हैं उसका साइज आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है। जैसे आप डन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों फाइनली ये मेरा फोटो पासपोर्ट साइज फोटो बनकर तैयार हो गया है। अभी ये फोटो मेरे गैलरी में डाउनलोड नहीं हुआ है। अब मुझे इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड SD के जस्ट बगल में कोई आइकन दिख रहा है, इस पर आपको टच करना है। PNG में सेलेक्ट है, आपको JPG करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस फोटो को अपने गैलरी में डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर इसे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आप फेसबुक या गूगल जिससे भी आप लॉगिन करना चाहते हैं आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर अपने गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप अपना लॉगिन कर लेंगे, अगर आप इस फोटो को SD में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डाउनलोड SD का एक ऑप्शन दिख रहा है। आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फोटो आपकी गैलरी में फुल SD क्वालिटी में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये फोटो मेरे गैलरी में डाउनलोड हो चुका है फुल SD क्वालिटी में। अब दोस्तों मैं अपना गैलरी ओपन करके दिखाता हूँ कि ये फोटो मेरे गैलरी में डाउनलोड हुआ या नहीं। तो दोस्तों फाइनली ये फोटो मेरे गैलरी में डाउनलोड हो चुका है, वो भी फुल SD क्वालिटी में। आप इसे जूम करके देख सकते हैं, ये फोटो 1% भी फट नहीं रहा है, एकदम फुल SD क्वालिटी में ये फोटो मेरे गैलरी में डाउनलोड हुआ है। दोस्तों अब आप इसे चाहे तो आप कहीं से भी किसी दुकान से आप इसे प्रिंटर से प्रिंट आउट करा सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी फोटो को जहाँ भी पासपोर्ट साइज फोटो के रूप में लगाना है आप उसे आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।